हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जिम। भारत देश में जहां क्रिकेट केवल एक गेम नहीं बल्कि लोगों के लिए एक इमोशन है, लोग अपने फेवरेट खिलाड़ियों को किसी भगवान की तरह पूजते हैं, यहां लोग गलियों से लेकर मैदानों तक क्रिकेट खेलते दिख जाते हैं। इसी क्रिकेट की दीवानी का लाभ उठाकर बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू करके आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया है। गाइस, यहां एक बात जान लेते हैं कि बीसीसीआई कोई सरकारी गवर्न कंपनी नहीं बल्कि एक प्राइवेट एंटिटी है, किंतु इसके कामकाज पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। खैर, तो अब आते हैं कि कैसे एक लीग ने बीसीसीआई को इतना अमीर बना दिया। बात है साल 2007 की, जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी और क्रिकेट के शॉर्टर फॉर्मेट का क्रेज काफी बढ़ रहा था। इसी साल जी इंटरप्राइजेस से फंडेड एक क्रिकेट लीग इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल की शुरुआत हुई। इसकी पॉपुलैरिटी देख बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने अगले साल यानी 2008 से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू करने का निर्णय लिया और सभी खिलाड़ियों को किसी दूसरी लीग में खेलने से रोक लगा दी। अपने पहले ही सीजन में 661 करोड़ रुपए की कमाई करके आईपीएल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलिए जानते हैं आईपीएल मॉडल काम कैसे करता है। इस मॉडल में सबसे पहले जानते हैं कि आईपीएल की टीमें केवल वही कंपनीज खरीद सकती है जिनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ से ज्यादा की है। यही कारण है कि शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे लोगों ने पार्टनरशिप में टीमें खरीदी है। केकेआर में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज का शेयर 55% का है, वहीं प्रीति जिंटा का पंजाब में शेयर सिर्फ 23% का है। वहीं रिलायंस जैसी कंपनीज अकेले मुंबई इंडियंस के शेयर रखती है। हर फ्रेंचाइज के पास आईपीएल में खिलाड़ियों को बाई करने के लिए 90 करोड़ रुपए का पर्स होता है जिसमें वह अपनी टीम बनाते हैं। अब हम आते हैं कि इतना पैसा स्पेंड करने के बाद ये फ्रेंचाइज और बीसीसीआई पैसे कमाती कैसे है। सबसे पहले जानते हैं मीडिया राइट से आने वाले पैसे के बारे में। आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट अब तक दो कंपनीज के पास रह चुकी है। साल 2008 से 2017 तक सोनी ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 8,200 करोड़ के लिए थे। वहीं साल 2017 से 2022 तक स्टार स्पोर्ट्स ने यह राइट्स 16,350 करोड़ के लिए। इस साल स्टार के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी खत्म हो रहे हैं। बीसीसीआई जुलाई में ब्रॉडकास्टिंग टेंडर निकालेगी जिसकी वैल्यूएशन 50,000 करोड़ की है। ब्रॉडकास्टिंग से आने वाले पैसों को 50% टीमों को दिया जाता है और 50% बीसीसीआई रखती है। अगला सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप। जहां 2008 से 2012 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डीएलएफ ने 200 करोड़ में ली थी, वहीं 2018 से 2022 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो ने 2,199 करोड़ की ली थी। लेकिन साल 2020 में इंडिया चाइना विवाद के बाद वीवो ने टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ दी और ड्रीम इलेवन को एक साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ में मिली। वहीं अगले दो साल के लिए टाटा ने 670 करोड़ रुपए में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ली है। इससे आने वाले पैसे का 60% बीसीसीआई रखती है और 40% टीमों में बांटा जाता है। बीसीसीआई केवल इन्हीं माध्यम से मेजॉरिटी पैसे कमाती है। बाकी टीम्स की अर्निंग को देखते हैं। अगली अर्निंग का सोर्स है मैच टिकट से आने वाला पैसा। इसका 80% शेयर टीमें रखती है, बाकी 20% ग्राउंड टीम को दिया जाता है। अगला सेक्शन है टीमों की स्पॉन्सरशिप से आने वाला पैसा। टीमों की टी शर्ट हेलमेट में लगे कंपनीज के लोगों से टीमें करोड़ों रुपए कमाती है। जैसे बड़ी टीमों मुंबई और चेन्नई के लिए 120 से 150 करोड़ तक है और पंजाब जैसी टीमों के लिए 60 से 70 करोड़ रुपए है। जैसे मुथूट फाइनेंस आरसीबी को 16 करोड़ रुपए देती है, वहीं अथर एनर्जी ब्रांड गुजरात टाइटंस को 20 करोड़ रुपए देगी। बाकी ये टीमें खिलाड़ियों से एड शूट करवाती है जिनका सारा पैसा टीमें रखती हैं। टीमों को एडवर्टीजमेंट के कितने पैसे मिलेंगे ये डिपेंड करता है उनकी पॉइंट्स टेबल की रैंकिंग पर। बाकी टीमें अपनी मर्चेंडाइज किट एक्सेट्रा बेचकर भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं। उसके अलावा जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि टाटा आईपीएल की वैल्यूएशन 4.7 बिलियन यानी 35,900 करोड़ रुपए की है। जहां एनबीए जैसी लीग का पर मैच कलेक्शन 2.1 मिलियन है, वहीं आईपीएल का कलेक्शन 8.5 मिलियन है। इससे पता चलता है कि आईपीएल कितना ज्यादा पॉपुलर है। गाइस, आप सोचते होंगे कि आईपीएल की मोस्ट प्रॉफिटेबल टीम मुंबई या चेन्नई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आईपीएल की मोस्ट प्रॉफिटेबल टीम मुंबई या चेन्नई नहीं बल्कि केकेआर है। इसके पीछे की वजह है शाहरुख खान। इनकी पॉपुलैरिटी के कारण ब्रांड्स केकेआर को ज्यादा अप्रोच करते हैं। तो गाइस, यह तो था आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आईपीएल केवल बीसीसीआई या इन टीमों का ही भला नहीं कर रहा है बल्कि इंडियन इकोनॉमी में भी इसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। साल 2015 में ही बीसीसीआई ने कहा था कि यह जीडीपी में 11.5 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब यह आंकड़ा और भी बढ़िया है। आईपीएल बहुत सारे जॉब क्रिएशन भी करता है। टीमों के स्टाफ, आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग टीम से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक आईपीएल काफी जॉब क्रिएट कर रहा है। वही खिलाड़ियों को फाइनेंशियल हेल्प हो रही है। काफी अनकैप्ड प्लेयर भी यहाँ अपना टैलेंट दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि इसने आपके लाइफ में कुछ नॉलेज ऐड की होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपने फीडबैक देना ना भूलें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ऑलवेज डू इट ऑन माय ओन, सो आई गॉट टू गेट थ्रू इट, एंड द ओनली थिंग आई नो इज टू लव व्हाट आई एम डूइंग, नेवर गिव अप, नेवर स्लो टिल आई फाइनली प्रूव इट, नेवर लिसन टू द नोस, आई जस्ट वांट टू कीप मूविंग, कीप माय हेड अप व्हेन आई एक्ट, हेड अप दैट्स अ फैक्ट, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on.